तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। नवलक्षणा भक्ति में चतुर्थ भक्ति पादसवन भक्ति का भी हम लोग उपसंहार कर रहे हैं। जो भगवान के स्मरण करना, कीर्तन करना, श्रवण करना एवं आखिर में पादसेवन। पादसेवा का बृहत्तर अर्थ में हम लोग लिए हैं कि जो भगवान के सर्वभूत में दर्शन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सर्वत्र समदर्शना एवं द्वितीय भक्त है जिसको दर्शन के तारतम्य है, भगवान के जो भक्त है उनके साथ मैत्री का संपर्क रखते हैं, जो साधारण व्यक्ति के करुणा उदारता एवं जो असत व्यक्ति उनसे उपेक्षा करते हैं, चारों ओर भगवान का ही दर्शन करते हैं लेकिन उनके तारतम्य है, जो कि साधारण भक्तों के लिए यही निर्देश है। जार संग जमन तार संग तमन, यही साधारण भक्तों के लिए निर्देश है। और जो व्यक्ति अधम भक्त है वो केवल भगवान का विग्रह में ही पूजा उनका समापन करते हैं और किसी को साथ किसी को उनका उदासीन रहता है। ही बिकम्स इंडिफरेंट टू द कॉल ऑफ द सोसाइटी फॉर अदर्स, स्वार्थी होकर केवल भगवान का ही भजन करते हैं। वो भी भाग्यशील है कारण भगवान की कृपा से उनका भी कल्याण होगा, बुद्धि विकसित होगा, वो भी भक्त है। अभी ये जो श्रीचरण पूजा का अंतिम चर्चा में हम लोग बोले हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर के एक संगीत यहाँ पर भगवान के चरण वंदना एक भक्त का आत्मनिवेदन बन जा रहा है, प्रेम एवं पूजा का एक आश्चर्य संमिश्रण है ये संगीत में। यहाँ पर कहा गया है, चरणों धुरी थे दियो गो अमारे नियोना नियोना स्वराए, जीवन मरण सुख दुख दिए बोखे धुरी वो जड़ाए। भगवान का चरण सेवा चरण पूजा कितना प्यारा है, वो कहते हैं कि ये जो मैं चरण सेवा करना चाहता हूँ इसका अवसर से मुझे वंचित ना किया जाए, हमें आपको चरण सेवा करने का अवसर दिया जाए। और हम कैसे चरण सेवा करना चाहते हैं, हमारे जीवन का मरण का जितने सुख दुख है सब कुछ समर्पण करते हुए जो कुछ है, नॉट दैट आई हैव गॉट ओनली वन टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, सुख दुख जितना भी हमारा अभिज्ञता है, जितना भी हमारा अनुभव है, सब कुछ दे के अब भगवान की चरण पूजा करना चाहता हूँ।
हमारी जो दुर्दशा है वो भी भक्त कहते हैं, खोली तो शिथिलो कामनारो भार, बहिया बुइया फिरी कत आर। तो आप जो आपका जो हमारा कामना का जो बोझ है, हम कितना तक अब वहन करें? तुम्हारी हाथे गेथे नियो हार, फेलो ना हमारी छोड़ाए। आप जो हमारा जो अवस्था है, मैं जो अपना कितने कामना वासना के लिए कि हम वहन करके जा रहा हूँ, अभी कितने तक हम वहन करेंगे? एवं ये जो हमारे आप कृपया हमें, डो नॉट अलाउ मी टू बी स्पिटेड अवे, आप अपने हाथ में, आपका निजी हाथ में हमें एक हार बना लीजिए। हमारा जो कुछ है, मैं एक हार प्रस्तुत करके आपको देने में असमर्थ हो गया, बड़ा सुंदर भावना दिया, आप ये प्रभु आप मेरा प्यारे हो, आप अपने हाथ से मुझे एक हार बना लीजिए। हमारा क्या अवस्था है कि हम जो कामना वासना से पीड़ित हूँ, वो भी आगे बताते हैं। तो हमारा जो वासना है, डिज़ायर्स है, उसको क्या करना चाहिए? कहते चिरो पिपाशितो वासना वेदना, तो ये जो वासना वेदना चिरो पिपाशित है, बाँचाओ तहारे मारिया, शेष जये जानो होए से विजयी, तुम्हारी काछे ते हारिया। हमारे जो वासना है वो वेदना है, कष्ट है। वासना चरितार्थ तो करने से हमें सुख नहीं मिलता है, वासना चरितार्थ तो करने से हमारा दुख का भी बढ़ता है। ना जा तो काम और कामाना वो होगी ना सम्मति, हविषा कृष्ण वर्तमे बहू ये अभिवर्धते। वासना का जो अग्नि है उसमें घृतावती देने से वासना कभी निर्वापित तो नहीं होता है, आग बढ़ते जाता है। तो हमारी जो वासना है वो चिरो पिपासी, तो इसका जो तृष्णा कभी मिटने वाला नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा चिरो पिपासी तो है, उसका जितना भी आप आग में घी डाले वो आग बढ़ते जाएंगे, कभी बुझेगा नहीं। तो मुझे बचाओ तहारे मारिया, किसको बचाओ तहारे मारिया, मतलब उसको ख़त्म करके मुझे बचाओ, वो कामना वासना को ख़त्म करके मुझे बचाइए। एवं इस टग ऑफ वार में आपके पास पराजय वरण करते हुए हमारा विजय हो। पराजय से विजय कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके पास हमारा जो कामना वासना वो चरितार्थ करने में हार जाए, पराजय स्वीकार करके हम आपको मिल जाएगा। हमारा जो वासना का चरितार्थ करने में अगर हम हार जाएं तो आपको मिलेगा, चरितार्थ कभी होगा नहीं। तो ही बात है कि आपको आप जो प्राप्त करने चाहते हैं, आपको चरण पूजा करते हुए वो हमारा सफल हो जाए। फिर आखिर में कहते हैं, बिकाए बिकाए दीनो अपनारे, तो
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে तो हम जो हमारा दीन हमारा जो दीन जो हमारे अपने को बहुत दीन बना लिया हम भिखारीपन का वो कर हम हमें बेचने चाहते हैं तो आप क्या क्या प्रार्थना है तुम्हारी कुरिया नियो अपना रे बोरो ने माला पराए क्या सुंदर भाषण बताया मैं अपने को आई एम ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ और बट आई एम नेवर सक्सेसफुल आपको मैं छोड़ दिया मैं पूरा दुनिया में हम एक दूसरे को सबको पास जाके हमारे आई एम मेड माई सेल्फ सो चीप दीन आई वॉन्ट टू सेल माई सेल्फ एवरीवेयर and I'm not successful. Nobody purchases me, though I want to sell. हमारा जो अपना प्रकाश हम करने चाहते हैं अहंकार से हम स्फीत करके हमें अपने को बढ़ाई चढ़ाई करने चाहते हैं वो हमारा फेल हो जाता है और ये हम कर नहीं पा रहा हूँ हम हार गए क्लांत हो गए इसलिए मेरा प्रार्थना है आप मुझे अपना लो तुम्हारे कोरिया नियो अपना रे आप मुझे अपना लीजिए और बोरों ने रो माला पराए आपको हम जो हार पहनाने चाहते हैं वरण करना चाहता हूँ वो आप स्वयं हमें ग्रहण करके हमें आपको गले में एक हार के रूप से सुसज्जित करिए तो ये जो अद्भुत संगीत का रचना किया है इसका प्रति छत्र में एक निवेदन है आवेदन है प्रेम है तो वो पूरा संगीत अगर हम चर्चा करें तब देखते हैं इसमें क्या कितना गंभीर अर्थ है भगवान के चरण वंदना हम करने चाहते हैं और वो हम हमारे सारे जीवन का सुख और दुख मिला के हम भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हूँ ताकि हम आपकी भगवान के गले में हम शोभामान हो हमारी जितनी कामना वासना है वो अनेंडिंग है और इसको बहन करते हुए हम थक गए आप कृपया इसको अपने हाथ से आप ग्रहण करते हुए हमें बचाइए आप ताकि हम चारा वो निशेषित ना हो जाए बिखरा जाए निशेषित हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो कामना वासना है वो कभी मिटने वाला नहीं है वो चिरपिपासित है कभी मिटेगा नहीं आप मुझे बचाइए इसको दमन करते हुए हमारे कामना अग्नि आप निर्वापित कर दीजिए ताकि हम बच जाए कामना का स्फूर्ति मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसमें हम ख़त्म हो जाएंगे मेरा कामना वासना का जो लड़ाई उसमें हमारा हार हो जाए ताकि हम बच जाए और हम जो दरवाजे हुए सबको नाम ढूंढते हुए हमें कुछ पाने के लिए बेचना चाहता हूँ भिखारीपन जो है स्वामी विवेकानंद कहते हैं जगत में दाता का ग्रहण करो लेकिन वस्तुतः हम क्या हुआ हम सबसे कुछ मांगते हैं
हमें अपने को बेचकर कुछ मांगते हैं, ये जो दीनता, इससे हम परेशान हो, हम इससे नहीं हो पा रहे, तभी समर्पण, आत्मसमर्पण कर रहे हैं प्रभु के पास कि आप हे प्रभु, अभी मुझे तुम्हारे को दिया न्यू अपीज फाइनल स्ट्रोक, आप मुझे अपना लीजिए, आई वॉन्ट टू बी योर वेरी ओन, यह है प्रेमिक का भाषा, तुम्हारे को लिया न्यू अपना ले, प्लीज़ मेक मी योर वेरी ओन। और इसमें क्या है, बोरो नेरो माला फराए, ताकि आपके गले में मैं शोभवान हूँ, मुझे अपना लेकर आप अपने गले में लगा लीजिए, अद्भुत है वो, मेरा प्रचेष्टा से नहीं हो रहा है, आप खुद ही बना लीजिए, हमारा जो कुछ है उससे आप एक माला बना के अपने गले में धारण करें, ताकि आपके साथ मैं बराबर लिए शोभमान हूँ, मे आई एग्जिस्ट अराउंड योर नेक एज ए नेकलेस, प्रिपेयर्ड बाई यू आउट ऑफ माई नथिंगनेस, हमारे कुछ नहीं है, हमें ग्रहण करके आप एक वरण का माला बना दीजिए, आपके गले में शोभमान हो जाए। यह अद्भुत संगीत अगर हम याद रखें, तब ये चरण सेवा एक प्रेम का निवेदन बन जाता है। इसके आगे हम दूसरा विषय फिर शुरुआत करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है, हनुमान चालीसा होगी, सद्धर्ति के पुराण, और साथ साथ आज पूर्णमासी भी है, इस कारण श्यामनाम संकीर्तन भी होगी आज सद्धर्ति के पुराण। आप लोग सब स्वागत है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, नमस्कार।